शमशान बाग क्षेत्र के ग्राम किसरौली निवासी आकांक्षा सक्सेना पुत्री शिव कुमार का शव रेलवे ट्रक पर 14 अक्टूबर को पड़ा मिला था। घटना के बाद परिजनों ने हत्या होने का आरोप लगाया। परिजनों ने 18 अक्टूबर को पुलिस लाइन का घेराव कर तत्कालीन एडीजी प्रेम प्रकाश से पुलिस लाइन में भेंट की, जिसके बाद लापरवाही दिखाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष रामबाबू को निलंबित किया गया था। एडीजी की सख्ती के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन आरोपियों का आज तक बाल बांका न होने से परिजन आहत थे। एबीवीपी सहित कई संगठन कार्रवाई के मांग के साथ ही धरना प्रदर्शन कर चुके थे, लेकिन न्याय न मिलने से आहत परिजन आखिर वह करने पर आमदा हो गए जिसका किसी ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। बुधवार को मृतका का पिता शिव कुमार सक्सेना अपने भतीजे सचिन के साथ कलेक्ट्रेट में निर्वाचन कार्यालय के पास पानी की टंकी पर चढ़ गया। खबर लगते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। एडीएम विवेक श्रीवास्तव, सीओ राजवीर सिंह, शहर कोतवाल वेद प्रकाश पांडे, फतेहगढ़ प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश पाल आदि मौके पर आ गए। पीड़ित पिता ने आरोपियों की गिरफ्तारी, परिवार की सुरक्षा, बेटी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। प्रशासन उन्हें किसी तरह नीचे उतारने का प्रयास कर रहा है। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ने आश्वासन देकर पीड़ित पिता को नीचे उतारा।